नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पास है एमआई की पावर बैंक 2i। आज हम इसका निकालते हैं इस बॉक्स के अंदर, कुछ इस तरह सा इंटरफेस देखने मिलेगा। तो आज हम करेंगे इसकी टियर डाउन और देखेंगे इसके अंदर क्या है। पहले हमको इसी पीछे की तरफ जो सील दिया गया है इसको निकालना पड़ेगा। ओके, पहले बहुत अच्छी ग्लू से टाइट किया गया है इसको, पहले निकाल लेता हूँ इसकी। और आगे की तरफ भी कुछ सील दिया गया है, उसे भी निकाल लेता हूँ एक बार। ओके ओके, ये भी निकल गया। ओके, पीछे की तरफ कुछ स्क्रू मिलता है, उसे हम खोल देते हैं स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ओके, दोस्तों निकाल लिया है मैंने ये दो स्क्रू को इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अभी अभी इस डिवाइस को निकालता हूँ। 1 2 3 रेडी स्टार्ट। दोस्तों इसको अंडर अच्छे से देखिए, यहाँ पे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो अंडर है यहाँ पे BIS सर्टिफाइड लोगो आपको दिखने मिलता है। 10,000 मिली एम्पेयर की एक बैटरी। और अच्छे से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड है अच्छे से लिखा गया है कि मेड इन चाइना एंड तिंजा लिसन बैटरी। मतलब ये जो MI की पावर बैंक है, Xiaomi की जो पावर बैंक है, मेड इन इंडिया, ये MI की तरफ से मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है ये लिथियम पॉलीमर बैटरी को। यहाँ इसी को अदर कोई मैन्युफैक्चर से इंपोर्ट करके इसको MI की ब्रांडिंग दिया गया है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको दिखने मिलता है यहाँ पे अच्छे से दिखे, मैं इस सेल को भी निकाल दे रहा हूँ, काफ़ी टाइट है। दोस्तों कुछ ही वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिखा रहा था कि 5,000 mAh की दो बैटरी को लगाया गया था, पर अच्छे से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 10,000 mAh की सेल से यहाँ पे कोई दो बैटरी चिपका नहीं गया है। और एक बात मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो साइड की तरफ कुछ NTC सेंसर लगाया गया है जो कि एक थर्मल प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और फायर से इसको बचा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ये जो प्रोड दिखने मिल रहा है माइक्रो USB आउटपुट आपको यहाँ पे दिखने मिलता है। और यहाँ पे जो बोर्ड दिख रहा है ये है माइक्रो USB चार्जिंग इनपुट पोर्ट। और यहाँ पे कुछ सेंसर्स आपको दिखने मिलता है, और ये जो है ये एक सेंसर है थर्मल प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे जो पावर चेकिंग बटन है यहाँ पे LED इंडिकेटिंग आपको कर रहा है। और यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे RD100 के नाम के एक सेंसर लगाया गया है जो कि कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है इसका। और पीछे की तरफ आपको सिर्फ यहाँ पे भी कुछ प्रोसेसर्स नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेसर से ये है ओके ZMD IC माइक्रो कंट्रोलर, LED कंट्रोलर और चार्जिंग फास्ट चार्जिंग IC टेक्नोलॉजी के दौरान पे यहाँ पे यूज किया गया है। और यहाँ पे जो आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, ये आउटपुट IC 10 नैनोमीटर की फुल बूस्ट यहाँ पे कर रहा है, जो कि यहाँ पे जो माइक्रो USB दौरान से यहाँ पे जो चार्जिंग इनपुट आ रही है इसको बूस्ट करके इसी दौरान से आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे जो कंट्रोलर लगाया गया, इसी कंट्रोलर की मदद से यहाँ पे आपको चार्जिंग इंडिकेटिंग शो कर रहा है। ठीक है, ये था कुछ इसकी MI पावर बैंक की सच्चाई, जहाँ पे कोई दूसरी बैटरी को इम्पोर्ट करके यहाँ पे MI की पावर बैंक बनाया गया है। जहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अच्छे से कि तिंजन लिसन बैटरी कंपनी मैन्युफैक्चर जो है तिंजन मैन्युफैक्चर है। और यहाँ पे ये कुछ था इसका इंटरनल पार्ट जो कि एक एल्युमिनियम केस के अंदर इस तरह का कुछ 10,000 mAh की बैटरी को कुछ स्क्रू की मदद से चुका गया था। और यहाँ पे कुछ प्रोसेसर फास्ट चार्जिंग क्वालकॉम की जो 3.0 की दौरान पे यहाँ पे यूज किया गया है। कुछ इस तरह से है MI पावर बैंक 2i। तो कैसा लगा ये वीडियो बताएं नीचे कमेंट सेक्शन पे। और इस तरह का कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए इस तरह के वीडियोस लाने के लिए।